बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं कामरान जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, सबसे पहले रुख करेंगे खैबर का। खेल ही वाहिद रास्ता है हर किस्म की बीमारियों से बचने का। जिला खैबर बाढ़ में अमन बहाली के बाद गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुख्तलिफ एनजीओ खेल के मैदान आबाद करने लगे। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान अफरीदी वहां मौजूद हैं। जी शाहिद, कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, तफसीलात से आगाह तो कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला खैबर के दुरफ्तादा इलाके गंदाओं में। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यहां पे कुछ अरसा पहले दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन पाक आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स की वजह से यहां पे अमन बहाल हो चुका है। अमन बहाल होने की वजह से यहाँ के ग्राउंड भी आबाद हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ SRSP के जो यहाँ पे NGO है उनके नुमाइंदे मौजूद है, वो यहाँ पे जो तरक्याती काम है में भी हिस्सा लेते हैं और इसके साथ साथ यहाँ के जो ग्राउंड है उनको आबाद करने में भी अपना हिस्सा डालते हैं। आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, मैं यहाँ पे SRSP को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे आज की जो एक्टिविटी अरेंज हुई है सिपाह कौम के जो कमेटी है, फलाई कमेटी, उसके साथ इश्तराक में, तो इसका मकसद खास यही है कि नौजवानों को एक किस्म की ऐसे मौके मुहैया किए जाए जिनसे वो गैर समाजी वो जो मसरूफियात है उनसे वो दूर रह कर अपने खेल कूद की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, और ज़्यादातर जो मंशियात की तरफ लोग नौजवान नस्ल जाते हैं तो उनकी रहनुमाई के लिए और उनको मुस्बत सरगर्मियों में इंगेज रखने के लिए ये एक्टिविटी अरेंज की गई है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खिदमत खल्क कमेटी जिसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं उसके सदर साहब भी मौजूद है। आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। ये जो खेल कूद की एक्टिविटी होती है इसका असल मकसद ये है कि हमारे दरमियान में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम हो जाए, दूर दराज के लोग आकर एक दूसरे से मिलजुल कर टीम वर्क सीखे और हम अमन की तरफ जा रहे हैं। उन कौमों के ग्राउंड आबाद हो तो उनके अस्पताल वीरान होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे इन रहनुमा का कहना था कि जहाँ पे खेलों के ग्राउंड आबाद हो जाते हैं वहाँ पे अस्पताल वीरान हो जाते हैं। जी खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने दबंग कार्रवाई की है। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ बैंक और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नादर अली संधू की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली हैज रजिस्टर्ड केसेज अगेंस्ट बैंक अल हबीब, हबीब बैंक, फैसल बैंक एंड सतारा टावर मैनेजमेंट ऑन बिलार रोड, violating corona SOPs and not wearing face mask, and directed the citizens only when SOPs are implemented can the epidemic be brought under control. With cameraman Rana Lias, district reporter Natalie Sandhu, Royal News, Faisalabad. रेस्क्यू सब डिवीजन लाहौर पार के SD उस्मान गनी डोगर ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगु करते हुए कहा कि मेरे दफ्तर में मास्क के बगैर कोई भी साइल नहीं आ सकता, यहां तक कि दफ्तर के मुलाजमीन भी मास्क के बगैर दफ्तर नहीं आ सकते। मजीद जानते हैं नवाज भट्टी से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेस्को सब डिवीजन लाहौर पार्क और मेरे साथ मौजूद हैं लेस्को सब डिवीजन लाहौर पार्क के SDO उस्मान गनी डोगर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ, उसमें हमारा पाकिस्तान भी है, बहुत सारे लोग शबो रोज कोरोना का शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है SDO साहब, आइए इनसे बात करते हैं कि लेस्को सब डिवीजन में इन्होंने कोरोना से बचने के लिए क्या तदबीर की है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेस्को के SEO लेस्को की हिदायत पर हमने जो उन्होंने हमें हिदायत की है उसके मुताबिक हमने ये बाहर एक बोर्ड बनाया है जिस पर अपने सेक्शन के ऑफिसर के नंबर लिखे हैं और मेरा अपना नंबर लिखा हुआ है। उस पर हमने उस पर लिखा है कि अगर आपने कोई रीडिंग का मसला है आपका, अगर ये आपका कोई और मसला है वो रीडिंग सेक्शन के MI है उनसे रब्ता करें, उसका नंबर लिख दिया है। अगर आपकी लाइट खराब है और आपका कोई मसला और है लाइट के अलावा, कोई तार टूट के गिर गई है, कोई मसाइल है मेंटेनेंस के वाले से, उस LS का नंबर लिख के लगा दिया है मेंटेनेंस का। न्यू कनेक्शन वाले हैं हमारे SDC साहब, उनका नंबर भी हमने लिख के लिखा दिया है कि बाहर बोर्ड के ऊपर के, ताकि उनको सार्फिन को आसानी पैदा हो, हमारे टेलीफोन रब्ता रहे उनका हमारे साथ और वो हमारे से ये जो काम है करवा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मास्क को लाजमी करार दे दिया है, जो साइलिन आते हैं वो मास्क पहन कर आते हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? वो ये है कि हमने अपने तौर पर ये कोशिश की है कि अगर वो नहीं, उसके पास मास्क नहीं है, पहली बात ये है कि हमने गेट बंद कर दिया हुआ है, गेट के बाहर ही हमने सारा कुछ लिख कर लगा दिया हुआ है। अगर उसके पास कोई बहुत ही इमरजेंसी है, वो आना चाहता है या मिलना चाहता है, तो उसके पास अगर मास्क नहीं है, पहली बात तो हमने लिख कर लगाया हुआ है कि मास्क पहन कर आए और सैनिटाइजर वगैरह लेकर रखा हुआ है हमने और बंदे को दिया हुआ है हमने कि वो बाहर ही उसको सैनिटाइज करके। स्पेशल आपने बाहर बंदा बिठाया हुआ है जिसके पास मास्क नहीं उसको मास्क देते हैं और जिसके पास
सैनिटाइजर भी करते हैं जी, उसको सैनिटाइज भी करता है और मास्क भी मुहैया करते हैं। उस्मान गनी साहब का कहना है हमने कोरोना पर अपने सब डिवीजन में हिफाजती तदबीरें की हुई है, हमने मास्क और सैनिटाइजर देकर बाहर गेट पर एक लड़का खड़ा किया है, पहले तो गेट बंद है, अदरवाइज किसी को इमरजेंसी है तो जब वो इंटर होता है उसको सैनिटाइजर भी किया जाता है और उसको मास्क भी दिया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ नवाज भट्टी, राय न्यूज, लाहौर। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बलदियाती इदारे बहाल होने के बाद मुल्तान यूनियन काउंसिल नंबर 1 निजामाबाद में चेयरमैन जाहिद खान के डेरे पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं दिलजेब आकाश से। जी बिल्कुल, आपको बताते चले मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी वन में, मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद इकबाल खान साहब जो यूसी वन के चेयरमैन हैं। पहले तो इनको मुबारकबाद पेश करते हैं सर, आपको मुबारक हो यूसी चेयरमैन बनने पर, बार से बहाल हो गए सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को और हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का को खराज तहसिन पेश करता हूँ, जिन्होंने बलदियाती इदारे 22 माह के बाद दोबारा बहाल करे, और ये बहाल करने के बाद हम तमाम जितने भी चेयरमैन हजरात हैं, वाइस चेयरमैन हजरात हैं, काउंसलर हजरात हैं, इनके इलाके देख लें, इनकी यूसियाँ देख लें, इस 22 माह में इस मौजूदा हुकूमत ने उनको बंजर बना दिया है। ना यहाँ सफाई का माहौल है, ना वासा का कोई बेहतर काम हो रहा है, गंद से इलाके, गलियाँ मोहल्ले भरे हुए हैं। बलदियात बहाल होने से हम हल्के में गलियों कूचों के नुमाइंदे जो हैं, काउंसलर हजरात हैं, ये अपना बेहतर काम कर सकते हैं हल्कों में। इन्हें यानी जो टीम MP MNA साहबान नहीं कर सकते, एक MNA के नीचे 27 यूनियन काउंसिल आती है, MNA साहब कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। मगर मैं अदलिया का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ये इदारे बहाल किए हैं, और ये बहाल होने से इस हल्के की आवाम और गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए बेहतर की है उन्होंने, और इंशाल्लाह तो हम दिन रात अपनी कोशिशें मेहनत करेंगे इन लोगों के लिए। इनके जो मसाइल होंगे यूसी सतह पे, हल्के की सतह पर, जहाँ डेथ सर्टिफिकेट के मामलात है, पैदाइशी पर्ची के मसले हैं, नादरा के मसले हैं, तो ये मसले, ये तमाम मसले यूनियन काउंसिल की सतह पे हल होते हैं और इस तरह होने चाहिए इंशाल्लाह ताला। और मैं अपनी आवाम को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है, अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, मुझे इसके ऊपर तबसरा करने की बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आवाम माशाल्लाह शहूर वाली आवाम है, सबको पता है हुकूमत पाकिस्तान इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब की, वफाक की, तब नाकाम हो चुकी हैं, बुरी तरीके से नाकाम है। मैं मौजूदा हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत होश के नाखून ले, इन बदलाती इदारों को साथ लेके चले, इन गरीब आवाम का काम करें, इन तमाम यूनियन काउंसिलों को बहाल किया जाए सही तरीके से, हमारे नोटिफिकेशन जारी किए जाए दोबारा, और हम अपनी मेहनत और रुकावट से अपने हल्कों में काम करें और गरीब आवाम का साथ दे सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाहिद खान साहब के बात काफ़ी पुरजोश नज़र आ रही हैं, आवाम की खिदमत के लिए जो है काफ़ी पुरजोश हैं, उनका कहना है कि बलदियाती अदारे जो बहाल किए गए एक आसान कदम है हुकूमत की जानिब से, और जो आइंदा कोई मेरे पास कोई अगर सहेलिन आता है तो उसका मसला भी जो है वो सतह पर हल किया जाएगा। रुक करेंगे शेरगढ़ का, जहां थाना सिटी रेनाला खुर्द के ASI अब्दुल रऊफ की गुंडागर्दी सामने आ गई है। थाना सिटी रेनाला खुर्द के पुलिस गर्दी उरूज पर है, और निजी टीवी चैनल के सीनियर सहाफी हाफिज एहसान के घर पुलिस का औरतों की मौजूदगी में रात गए धावा। थाना सिटी रेनाला खुर्द के अब्दुल रऊफ ASI ने पुलिस की भारी नफरी के साथ चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करते हुए सीनियर सहाफी के घर में धावा बोल दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राय सदी की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, थाना सिटी रेनाला खुर्द के अब्दुल रऊफ ASI ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करते हुए सीनियर सहाफी के घर धावा बोल दिया, और घर में मौजूद औरतों के साथ नाजेबा जबान इस्तेमाल भी करते रहे। जब पुलिस से दरियाफत किया गया तो इनका कहना था कि हमें इतला मिली है कि यहाँ घर में शुरलियाँ और पटाखे फरोख्त किए जाते हैं जो हम इस वक्त बरामद करने के लिए आए हैं, मगर वहाँ पर कोई शुरलियाँ पटाखे फरोख्त ना हो रहे थे। मैं आपको बताता चलूं कि रात गए पुलिस ने चादर और चार दीवारी के तकद्दस को जब पामाल किया तो इस वक्त घर में कोई मर्द भी मौजूद ना था, और घर में मौजूद औरतें नमाज पढ़ने में मसरूफ थीं। ज़िला भर के सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी ने वज़ीर आला पंजाब
और डीपीओ उकाड़ा से अब्दुल रऊफ एएसआई को फौरी मुअत्तल करके आला सतह पर इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है। जी आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे पाकपतन का, जहां तालीमी इदारों में कोरोना के फैलाव का सिलसिला जारी है। पाकपतन में कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफे और एक टीचर की हलाकत पर 7 सरकारी स्कूल्स को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है। महकमा तालीम ने स्कूल्स को आज से ही बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आरजी तौर पर बंद किए गए स्कूल्स में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी पाकपतन, गर्ल्स स्कूल्स कॉलोनी एरिया, गर्ल्स हाई स्कूल कमलिहार वाला और गर्ल्स हाई स्कूल नूरपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल 153 आरिफ वाला, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कबूला और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कबूला शामिल है। महकमे तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स में किए गए कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट्स आने पर स्कूल्स बंद रहेंगे। वाजह रहे कि इंतजामिया की गफलत के बायस शहर में कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती एसओपीज को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बायस केसेस में मजीद इजाफे का खदशा है। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां राजपूत बैंड ये क्या है, हैंड बॉल है ना, पढ़ू बताइएगा। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां राजपूत हैंडबॉल क्लब के कप्तान अनीब अहमद की जारहाना परफॉर्मेंस की बदौलत राजपूत क्लब ने पाकिस्तान डे हैंडबॉल मैच का टाइटल अपने नाम कर लिया। रिसालदार शहीद हैंडबॉल क्लब को 5 गोल की बढ़तरी से शिकस्त हुई है। स्पोर्ट्समैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और रिसालदार इरशाद शहीद हैंडबॉल क्लब के जेर एहतमाम रेलवे ग्राउंड अमेरिकन क्वार्टर्स में मुनक्किदा पाकिस्तान डे हैंडबॉल मैच का इनेकाद कराया गया। मैच में राजपूत हैंडबॉल क्लब ने रिसालदार शहीद हैंडबॉल क्लब को 6 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दी है। राजपूत क्लब के कप्तान अनीब अहमद ने अपने जारहाना खेल की बदौलत अपनी टीम को यौमे पाकिस्तान हैंडबॉल मैच के टाइटल का हकदार ठहराया है, जबकि शाहिद कमांडो हमजा मुजाहिद गिल शेर और औरंगजेब ने भी बेहतरीन खेल का मुजाहिरा पेश किया है। मैच के मारूफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर और डीपीओ हसन अली अराई ने सुपरवाइज किया। मैच के ऑर्गेनाइजर खलील जुमान और रिजवान गद्दी बाबू दादा और फैजान अली राजपूत थे, जबकि डीपीओ वसीम खान सुल्तान जई और सैयद मोहम्मद इसहाक शाह कमेटी में शामिल थे। बाद अज तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी साबिका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैदराबाद मखदूम इरशाद थे। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे उकाड़ा का, जहां डेप्टी कमिश्नर उकाड़ा की हिदायत पर आरटी सेक्रेटरी महर रफीक इंसदादे कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन हो चुके हैं। यकुम माह में 5,90,000 से जायद जुर्माने, 16 से जायद गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। आरटी सेक्रेटरी महर रफीक और उनकी टीम ने जिला के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चेक किया और एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को भारी जुर्माने और मुख्तलिफ थानों में बंद भी कर दिया। राणा तारिक से बात करते हुए आरटी सेक्रेटरी महर रफीक का कहना था कि आवाम को इस वबाई मर्ज से बचाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज पर अमल दरामद करवा रहे हैं ताकि लोग महफूज सफर कर सकें। इस सिलसिले में हुकूमती हिदायत पर 100% अमल दरामद करके उसे यकीनी बनाया जाएगा। गुजरावाला में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं, तेजी से जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 55 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 723 है। 24 घंटों में कोरोना के 2 मरीज दम तोड़ चुके हैं। पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अहकाम के मुताबिक यकुम अप्रैल से जिला भर में इनडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो चुकी है। होटल और रेस्टोरेंट में सिर्फ पार्सल की इजाजत होगी। तमाम कमर्शियल सरगर्मियां 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। करियाना, मिल्क शॉप, गोश्त, चिकन, सब्जियां और पेट्रोल पंप्स, तंदूर, मेडिकल और हॉस्पिटल्स को इस्तेसना हासिल होगी। शहर के 3 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया है। खबर है मियांवाली से, 2.5 साल मासूम कली के साथ वहशी दरिंदे का
तरा अब्बास टाउन में ज्यादती का वाकया पेश आया है। वहशी मुलजम गिरफ्तार हो चुका है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तरा अब्बास टाउन मियांवाली में गुज़श्ता शाम कामरान कौम कसाब नामी नौजवान ने 2.5 साल अपनी ही भतीजी के साथ अपनी बैठक में ज्यादती का वाकया पेश आया है उनके साथ, जिस पर मुलजम कामरान कसाब को थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में दाखिल है। MS DHQ डॉक्टर रफीक खान ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि हमने बच्ची की MLC रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मेरिट पर जो है वो कार्रवाई होगी। जलालपुर पीरवाला में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, चालू भट्टी समेत बदनामे जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार हो चुके हैं। 320 लीटर से जायद शराब और दीगर सामान बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे सर्कल में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे। SHO थाना सदर अरशद महमूद भट्टी की मीडिया से गुफ्तगू और बोले कि महमूद भट्टी के सरबराही में सदर पुलिस की थानेदार फहरत अब्बास शाह ने नवाही इलाके मोजे कंढेर में एक छापा मारकर कार्रवाई के दौरान बदनामे जमाना मुनशियात फरोश अजहर और साजिद को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है, जब वो चालू भट्टी पर शराब तैयार कर रहे थे। पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कब्जे से जो है 320 लीटर शराब, एक ड्रम लहन और शराब तैयार करने का दीगर सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान तवील अरसे से मुनशियात के धंधे में मुलविस थे और खास मौकों पर बड़ी तादाद में देसी शराब तैयार करके तहसील भर में सप्लाई करते थे। मुलजमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ SHO अरशद महमूद भट्टी का मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि पूरे सर्कल में जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर है, मुनशियात फरोशों का पूरे सर्कल में खात्मा करेंगे। लालियां जंग रोड टूट फूट का शिकार है, हुकाम खामोशी से तमाशाई बने हुए हैं। लालिया मोहम्मद वाला रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। मोहम्मद वाला स्टॉप पर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। हालिया बारिशों के बाद सड़क में मौजूद गड्ढों में पानी भरने से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लग रहे हैं और मोहम्मद वाला में दुकानदारों की सड़क की तामीर का मुतालबा करते हुए कहना था कि गुज़श्ता कुछ साल से सड़क टूट फूट का शिकार है, लेकिन नमजाल है सरकार की तवज्जो इस जानिब बिल्कुल भी नहीं दे रहे और मुतअद्दिद हादसात भी पेश आ रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो चुकी है, शहरियों का आला हुकाम से सड़क के फौरी मुरम्मत का मुतालबा है। रुक करेंगे सक्कर का, जहां पन्नू आकल कच्चे के इलाके हसैन भेली में अचानक आग भड़क उठी है। देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत पानी से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने इमरजेंसी नंबर पर फायर ब्रिगेड वालों को इत्तला भी दी, वो वक्त पर नहीं पहुंच सके। जहां मसाइल वहां रॉयल, हाफिजाबाद में रॉयल न्यूज की खबर पर एक्शन, नौजवान पर तशद्दुद करके वीडियो वायरल करने वाले बासर अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। रॉयल न्यूज अवामी चैनल है। DPO हाफिजाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान, मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हाफिजाबाद के मोहल्ला शरीफपुरा में बासर अफराद की एक नौजवान पर तशद्दुद करके वीडियो वायरल की खबर जो है नशर हुई, जिसके बाद रॉयल न्यूज ने ब्रेक किया। रॉयल न्यूज की इस खबर पर DPO हाफिजाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने फौरी नोटिस लेते हुए 12 घंटों के अंदर अंदर मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए SHO सिटी शाहिद हुसनैन गोंदल को अहकाम जारी किए थे। SHO सिटी हाफिजाबाद ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान में शाहजेब, शाहसवार और समामा के नाम बताए जा रहे हैं। DPO हाफिजाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान का कहना है कि रॉयल न्यूज वाकई अवाम की आवाज का तर्जुमान है और जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करने के लिए इसके रिपोर्टर समेत इंतजामिया के मशकूर हैं। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के नवाही इलाके पुल जान मोहम्मद पर थाना करके नाक तले कोरोना SOPs वायरस फैलने का शदीद जो है वो खदशा है। अहले इलाका में तशवीश की लहर, मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फैसलाबाद सफदर नजीर शाकर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला के नवाई इलाका पुल जान मोहम्मद पर थाना कोर की नाक तले कोरोना SOPs की सरेआम खिलाफ वर्जी,
कोरोना फैलने का शदीद खदशा, अहल इलाका में तशवीश की लहर। फुल जान मोहम्मद पर मंगल बाजार लगा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ शहरों से आए दुकानदार बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के कोरोना को दावत दे रहे हैं। डी सी ओ फैसलाबाद और एसी तांदले वाला फौरी नोटिस लें और इनके खिलाफ कोरोना SOPs के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी आजाद कश्मीर का रुख करते हैं जहां नीलम वैली के इलाका ग्रेस के कई माह से लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी ग्लेशियर्स के बायस बंद रोड को खोला ना जा सका। नीलम के अवाम ने रोड खोलने के लिए चंद जमा करना शुरू कर दिया लोगों का कहना है कि नून लीगी हुकूमत ने नीलम वैली की अवाम के साथ 5 साल झूठे वादे किए हैं और अवाम को धोखे में रखा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नीलम से नुमाइंदा रॉयल न्यूज फाहत मुगल। ये नीलम का इलाका गुरेस है जहां का रोड के हफ्तों से लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी ग्लेशियर्स के बायस बंद है। इलाके का रबता बिल्कुल मुनकता है, वहाँ हजारों अफराद की आबादी है, लोगों के पास खाने पीने की अशिया का स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है, बल्कि यहाँ के लोगों तक अद्वियात की रसाई भी नहीं है। जो बंदा वहाँ बीमार हो जाए उनके पास कोई अस्पताल डॉक्टर की सहूलत नहीं। मैं बताता चलूँ कि ये जब नून लीगी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बरसर इक्तदार आई थी तब नीलम वैली के उम्मीदवार जो आज कौमी असम्बली आज़ाद कश्मीर के स्पीकर जनाब शाह गुलाम कादर, उन्होंने अवाम से वादे किए थे कि यहाँ रोड बहाल करने के लिए मशीनरी फराहम की जाएगी, मगर उनका 5 साल दौर इक्तदार भी अभी अख्ताम की तरफ जा रहा है, मगर आज तक उनके वादों की तकमील नहीं हो सकी। गुरेज के लोगों ने अभी चंदा जमा करना शुरू किया है ताकि रोड को अपनी मदद आपके तहत खोला जा सके। जी बिल्कुल। खबर शामिल करते हैं तांदलावाला से जहां पर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। 25 मई को लियाकत बाग रावलपिंडी में अवामी जलसा आम करने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक तांदलावाला की टीम की रॉयल न्यूज से खसूसी गुफ्तगू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक तांदलावाला का हमारा इजलास था जिसमें हमने तांदलावाला की हर यूनियन कौंसल के अंदर तंजीम साजी का अमल शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला 3 माह के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक तांदलावाला की हर यूनियन कौंसल में तंजीम साजी का मुकम्मल ढांचा पूरा तश्कील देगी और आने वाले मुतवक्के बल्दियाती इलेक्शन में जहां पे लोग सरमाया के बलबोते पर दौलत के बलबोते पर इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पे पाकिस्तान अवामी तहरीक अपने कॉय डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के नज़रिए के मुताबिक इलेक्शन लड़ेगी और तंजीमी जो हमारा सेटअप है उसके बलबूते पे हम इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे। और आज हम इधर कच्चा ताला में पीर सैयद अताउल हक शाह साहब के डेरे पर हमारा जो इजलास था और पाकिस्तान अवामी तहरीक दूसरी जमातों से इसलिए मुख्तलिफ है, हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है, बाकी जितनी भी जमातें हैं जितने भी लोग सियासतदान सियासत करते हैं वो लोगों से सियासत करते हैं, फकत पाकिस्तान अवामी तहरीक है जो लोगों के लिए सियासत करती है, बाकी सारे लोग नारे लगाकर एक दूसरे को गालियां देकर बरादरियों को आपस में लड़ाकर बरादरियों के नाम पे बरादरीज़म पे वोट लेते हैं, फकत डॉक्टर ताहरुल कादरी की जमात है जो लोगों के लिए सियासत करती है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ना तो इक्तदार चाहती है ना इंतशार चाहती है, ये मुल्क में फकत निज़ाम की तब्दीली चाहती है, वो निज़ाम जो गरीबों को गरीब तर करता जा रहा है, वो निज़ाम जिसमें आज हर बंदा खुद सोजी खुदकुशी पे मजबूर हो गया है, अपने बच्चे बेच रहे हैं गुर्दे बेच रहे हैं, इसलिए हमारा पैगाम है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के इनकलाबी पैगाम को समझें, डॉक्टर ताहरुल कादरी ने जो विज़न दिया है निज़ाम बदलने का उसे समझें और इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करें। बहुत शुक्रिया।
रुक करेंगे सखर का। पनू अवल में कहानी नवीस नामवर शायर अदीब प्रोफेसर सरवर सैफ की किताब दोदा जैसी काली, किताब की रूनमाई तकरीब मकामी होटल में मुनाकिद की गई है जिसमें तमाम शायरों अदीबों ने शिरकत की है। सिंधी अदबी संगत शाख पनू आकल की जानिब से मकामी होटल में मारूफ कहानी नवीस शायर और अदीब प्रोफेसर सरवर सैफ की किताब दूध जैसी काली की रूनमाई की तकरीब मुनाकिद की गई है। तकरीब की सदारत मारूफ कहानी नवीस जहांगीर अब्बासी ने की है। तकरीब में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर साजिद सोमरो, एजाज समू, बशीर मंगी, रऊफ पारस दायो और आगा बिलाल पठान, अब्दुल हमीद बिल्लू, मोहम्मद उमर जतोई, अख्तर भियो और दीगर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सिंधी अदबी संगत सिंध के जनरल सेक्रेटरी प्रेल दायो ने कहा कि प्रोफेसर सरवर सैफ मेरे उस्ताद के साथ साथ पूरे मुआशरे के रहनुमा भी है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी शौरी काफिले की आबपारी करते हुए सरफ की है और सरवर सैफ की अदबी जिंदगी निसफ सदी तक मोहित है। उनकी लाजवाल खिदमत तारीख के सुनहरी वर्क में जो है महफूज रहेगी। हम उनकी अदबी काविशों के मकरूज हैं। आज का ये प्रोग्राम कुछ कर्ज उतारने में किरदार अदा करेगा। रऊफ पारस दायो, हुसन पुनिहार, काजी महबूब, जुल्फकार कुराई, फयाज समायर, अब्दुल हई भुट्टो, अब्दुल वहीद शेख और दीगर ने शायरी पेश की। सारंग कलादी ने शेख अयाज का कलाम और बंजर नवाज शराफत शेख ने भटाई का कलाम पेश करके शुरका तकरीब को झूमने पर जो है वो मजबूर कर दिया। तकरीब की मेजबानी अयाज लतीफ दायो ने की। खबर है चनियोट से जहां सरकारी स्कूल में टीचर्स के लिए चाय बनाते हुए दूसरी क्लास की दो बच्चियां जल गईं जिनको तिबी इमदाद के लिए DHQ हॉस्पिटल लाया गया। एक बच्ची की हालत शदीद जो है वो तश्वीशनाक बताई जा रही है। मुदस्सर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी रवायात को बरकरार रखते हुए सरकारी स्कूलों में बच्चियों से काम काज का सिलसिला ना थम सका। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम MS गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल जदीद 230 गुरबी और अक्सा जमात दोम और रजिया से स्कूल में चाय बनवाई गई। चाय बनाते हुए दोनों बच्चियां जल गईं जिनमें अक्सा नामी बच्ची की हालत तश्वीशनाक है और रजिया को तिबी इमदाद दी जा रही है। बच्चियों को स्कूल टीचर अतिया और दीगर तश्वीशनाक हालत में DHQ हॉस्पिटल लेकर आए हैं जहां उनको तिबी इमदाद दी जा रही है जिसमें एक बच्ची की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। खबर है नुशहरा जदीद से। RPO मोहम्मद जुबैर दरेशक का थाना सिटी यजमान का दौरा, आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आसिफ अवान से। जी बिल्कुल, रीजनल पुलिस अफिसर मोहम्मद जुबैर दरेशक की थाना सिटी यजमान आमद पर पुलिस अफसरान के बच्चों ने फूलों के दस्ते पेश किए। RPO ने SDPO के हमराह थाना सिटी यजमान के फार्मल इंस्पेक्शन की जहां पर उन्होंने थाना की बिल्डिंग, मालखाना, कंट्रोल रूम, दफातर, तफ्तीशी अफसरान, SHO ऑफिस, बैरिक्स, कांस्टेबलान का मुआयना करते हुए कहा कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के तमाम थानों से इस थाने का निज़ाम सफाई सुथराई और रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। फ्रंट डेस्क ऑपरेटर्स को हिदायत की कि बगैर किसी इंतज़ार के आने वाले सैलिन की शिकायत का फौरी अंदराज किया जाए। RPO ने अफसरान व अहलकारान से अपने खिताब के दौरान कहा कि कोरोना SOPs को अपनाते हुए अपने फरज सर अंजाम दें। दौरान ड्यूटी शहरियों को भी हिफाजती इकदाम करने की तलकिन करें और अपने ख़ानदान के अफराद को भी इस वबा से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत करें। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और अपने घरों में जरासीम कश स्प्रे भी करवाएं। बाद में RPO ने SDPO ऑफिस यजमान की भी इंस्पेक्शन की और वजीर आजम की जानब से जारी शजरकारी मुहिम के तहत ऑफिस के ग्राउंड में पौधा लगाया और कौम की सलामती व इस्तकलाल के लिए दुआ की। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, रॉयल न्यूज, नौशहरा जदीद। लुडन DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली निसवाना की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी बिहाड़ी ने अवाम तक जाली दूध की तरसेल नाकाम बनाकर 1100 लीटर दूध जाया कर दिया। लुडन पंजाब फूड अथॉरिटी ने अवाम तक जाली दूध की तरसेल नाकाम बना दी। डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में करमपुर रोड लुडन में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा। मसनूई तरीके से जाली दूध तैयार करने वाले फयाज मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया। खुश्क दूध, वेजिटेबल घी और पाउडर से मुजरे सेहत दूध तैयार किया जा रहा था। दौराने कार्रवाई 1100 लीटर मुजरे सेहत दूध तलब कर लिया गया है और इसके अलावा टेस्ट के दौरान दूध में फैट और गिजा की कमी पाई गई है। जहरीले दूध का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में हड्डियों की कमजोरी का भी बायस बनता है। मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। खुराक के नाम पर जहर तैयार करने वालों को
नित नए तरीकों को बेनकाब किया जाएगा। लाहौर चोंगी अमर सदू कमाहा बैंक स्टॉप कचरे के ढेर अब सड़कों के साथ साथ गाड़ियों में भी नजर आ रहे हैं। लावारिस सुजुकी बोलान चुंगी अमर सदू कमाहा बैंक स्टॉप के पास 6 माह से एक ही जगह पे जो है वो खड़ा हुआ है हर चीज, जबकि मुतलका थाने की पुलिस ने भी उसे चेक नहीं किया। लोगों ने मेन रोड पर खड़ा लावारिस गाड़ी को कचरा दान बना दिया। मजीद जानते हैं इमरान शेख की इस रिपोर्ट में। रुक करेंगे सवड़ियाल का, रॉयल न्यूज की खबर पर एक्शन। तहसील इंतजामिया की जानिब से न्यूलो पोलो वाली में बनने वाले गैर कानूनी कॉलोनी को नोटिस जारी कर दिया गया। कॉलोनी लीगल ना होने की वजह से गैपको सवड़ियाल ने बिजली भी मुनक़िता कर दी। सवड़ियाल के मोजे न्यू लोपर वाली में अगोकी के रहायशी डॉक्टर अस्कर ने गैर कानूनी कॉलोनी बना रखी है और सादलो शहरियों के लाखों रुपए के एवज फरोख्त करने का कारोबार शुरू कर लिया है। इस सारे मामले में उसकी मुआवनत समडियाल का मशहूर फ्राडिया सलामत मसीह कर रहा है, जिसके खिलाफ मुतलका थाना में दरखास्तें भी साल हो चुकी हैं। तहसील इंतजामिया ने शहरियों की शिकायत पर इस गैर कानूनी टाउन के मालिक असगर खान को नोटिस भी भिजवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर समडियाल ने सहाफियों को मौकफ देते हुए बताया कि सरकारी खजाने को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेते हुए उनको जल्द सील कर दिया जाएगा। शहरियों के साथ फ्रॉड करने वाले नौसरबाजों को किसी सूरत भी माफ नहीं करेंगे। रुक करेंगे तोनसा शरीफ का, मीर रोहल खान एएसपी सर्कल तोनसा के डॉल्फिन फोर्स तोनसा को ड्यूटी के मुतालिक ब्रीफ करते हुए बताया कि डॉल्फिन फोर्स का मकसद स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना है और उनकी रोकथाम के लिए पुलिस और अवाम के माबैन मिसाली ताबुन के कयाम कम्युनिटी बेस्ट पुलिसिंग को फरोग देना और यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि डॉल्फिन फोर्स कानून पसंद शहरियों के लिए तहफ्फुज की अलामत है। आखिर में मीर रोहल खान एएसपी सर्कल तोनसा ने डॉल्फिन फोर्स के जवानों से खिताब करते हुए कहा कि अवाम के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आए और जुराइम पेशा अफराद के सरकूबी के लिए बरवक्त आपको तैयार रहना पड़ेगा और पेशा वराना उमूर पर तवज्जो रखें। इस मौके पर ITI और तसव्वुर अब्बास एएसपी रेडार अमानुल्ला और नायब मुहर्रर हाफिज अब्दुल मजीद कैसरानी भी मौजूद थे। खबर है लाहौर से, जहां सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीनार पाकिस्तान कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के सारा असलम, कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनस और दीगर मुतलका अफसरान मौजूद थे। मजीद जानते हैं शाहिद संधू की इस रिपोर्ट में। जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद कहना था कि पंजाब की आवाम के लिए सूबा भर में नए वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के कैंप के बाद हजारों शहरियों को अपने इलाके में वैक्सीनेशन की बेहतरीन सहूलत हासिल होगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों की आसानी के लिए तरबियत याफ्ता अमले के साथ साथ 20 काउंटर्स कायम किए गए हैं। पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पंजाब हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों के बाद अब 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हम सब ने इस कौमी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना है और इंशाल्लाह वज़ीरे आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। जी रुक करेंगे मीरपुर का, जहां फ्लाई तंजीम फ्रेंड्स फॉर लाइफ यूके एंड यूरोप की जानिब से चौधरी सिकंदर और मिर्जा आशिक की तरफ से दोस्तों के एजाज में वरियाम होटल काकड़ा के मकाम पर एक खूबसूरत डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें यूके से आए हुए मेहमान मिर्जा आशिक हुसैन और जो जिनका ताल्लुक स्पेन से था, हाजी सिकंदर यूके, हाजी नजीर आफ मीरा, राजा अरबाब सिकंदर चौधरी, आशिक शाहिद सादिक, हाजी शहजाद मोहसिन शहजाद, हाजी रफीक दुबई, शेख शराफत बानी मयसर ग्रुप, हाजी मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अफजल उर्फ उस्ताद गोगा, वहीद खालिक और खसूसी तौर पर मरकजी सदर पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आजाद कश्मीर जावेद इकबाल भट्ट को भी मदऊ किया गया। यहां आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके लियाकताबाद में अचानक एक बिल्डिंग में आग भड़क उठी है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास की इस रिपोर्ट में। आज
जी हाँ, लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में आग लगने का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। और आपको तो ये भी बताता चलूं कि बिल्डिंग के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर आग लगी है और आग को कंट्रोल करने के लिए स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। ताहम रेस्क्यू और पुलिस और सिंध रेंजर्स की भारी नफरी भी जाया वकिया पर मौजूद है और ये अच्छी खबर है कि अब तक कोई जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। जी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगु करते हुए बताया कि कत्ल और अंधे कत्ल की संगीन वारदातों में मुलविस 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर रियाज टाक से। जी रियाज टाक के तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं आपको इस बारे में बताऊँ की डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया की कत्ल और अंधे कत्ल की संगीन वारदातों में मुलविस 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन फैसलटोन ने गुंगे शहरी सलमान राशिद को कत्ल करने वाले गुंगे मुलजम तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस ग्रीन टाउन ने शहरी जुमा खां को कत्ल करने वाले दो इश्तहारी मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी ने इस मौके पर मजीद बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस चोंग ने अपने शोहर को फायर मारकर कत्ल करने वाली इसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमा जो हसीना बीबी ने अपने शोहर अब्दुल सलाम को घरेलू लड़ाई झगड़े से तंग आकर सोते हुए फायर मारकर कत्ल कर दिया था। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस निस्तर कलोनी ने बीवी को कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचाने वाले शोहर को 22 समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजम जिशान ने नजायज तल्लुकात के शुबा पर 22 आसमान की मदद से अपनी बीवी इरम शहजादी को कत्ल कर दिया था। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस निस्तर कलोनी ने इमाम मस्जिद के अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्वस 4 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के बेटे के साथ झगड़े की रंजिश पर मुलजमान ने इमाम मस्जिद हाफज अमानुल्लाह के घर पर फायरिंग कर दी थी। सर में फायर लगने से मकतूल हाफज अमानुल्लाह की मौत जो है मौके पर वाकया हो गई थी। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस बाटापुर ने जमीन के तनाजा पर शहरी मोहम्मद शबान को कत्ल करने वाले 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बाटापुर ने कैरी डब्बा ड्राइवर अब्दुल रहमान को कत्ल करने वाले इश्तहारी मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया। इश्तहारी मुलजम अशरफ उर्फ अरशद ने अपनी साथी के हमरा कसूर जाने के लिए कैरी डब्बा बुक करवाया था। मुलजमान ने मंडी आसमान वाला जिला कसूर के करीब अब्दुल रहमान को गला काट कर कत्ल कर दिया था। जी मैं आपको सकी सर्वर कोरोना वायरस से बचाव के लिए डीसी डेरा गाजी खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्ठा असद चांडिया सकी सर्वर दुकानदारों में मास्क तकसीम कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्ठा असद चांडिया ने नुमाइंदा रॉयल न्यूज मुरीद अब्बास खोसो से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना एसओपीज पर अमल पैरा होना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कोरोना एसओपीज पर अमल पैरा होकर इस मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाए, अपने आप को महदूद कर लें और घरों तक इस जो है मूजी मर्ज से बचने के लिए यही वाहिद रास्ता है। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां रॉयल न्यूज की खबर पर चंद रोज कबल अगवा होने वाली खातून घर से बरामद हो चुकी है। लड़की के वर्सा ने चौकी मकवाना दरखास्त गुजार की थी कि उनकी लड़की मोहल्ला में जो है वो चिप्स बेचने वाले नदीम ने अगवा की है और चौकी इंचार्ज मकवाना नवाज भट्टी ने मोबाइल डेटा की बिना पर कोई ताल्लुक जाहिर नहीं होने पर फैसला नदीम के हक में कर दिया था। लड़की के मुर्सा ने चौकी मकवाने का फैसला रद्द करते हुए अदालत से रजू किया। सारा वाकया झूठा निकला। लड़की आज रॉयल न्यूज की निशानदेही पर घर से बरामद हो चुकी है। रुख करेंगे कमालिया का, वर्दी बदल गई पर पंजाब पुलिस ना बदली। कमालिया के नवाही गांव मोजा जलाल संघाला में थाना सदर पुलिस के गुफार एसआई का नौजवान पर हुक्म ना मानने पर डंडों के पे दर पे वार करके बेहोश कर दिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गया। पुलिस की गुंडागर्दी खत्म नहीं हो सकी। कमालिया के नवाही गांव बस्ती जलाल सगला में थाना सदर पुलिस को दरियाए रावी में लावारिस लाश की 15 की काल मौसूल हुई और गुफार एसआई हमरा टीम जाए वकुआ पर पहुंच गया और करीबी खेतों में काम करने वाले जाफर नामी शख्स को कहा कि लाश उठाने में हमारी मदद करो। जाफर ने कहा कि इसका ऑपरेशन हुआ है और वो जोर वाला काम नहीं कर सकता, जिस पर गुफार एसआई तैश में आ गया और डंडों के पे दर पे वार करके जाफर नामी शख्स को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिस पर अहले इलाका शदीद सरापा एहतजाज बन गया। अहले इलाका ने आईजी पंजाब से फिलफौर नोटिस लेकर ऐसे करप्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सर ये मस्जिद चला रहा था
और डाले वाले आए ने सर ला दो सार ये घर जुड़े ने आखे चल पुलिस लाश सानू लबा उस आखे सर मेरी मर्जी अगले दिन नुकसान हो जा सर मर्जी वाल के अगले फाटक ला के वाग जा सर मैं तुहानू लाश किवें लबावां ओले सारे नू खुशाब जोहर आबाद वर्कर सरापा एहतजाज बन गए। ऑल पाकिस्तान बल्दियात वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन सरगोधा डिवीजन के चेयरमैन शाहिद मसीह, वाइस चेयरमैन यूनस सदर शेरा मसीह, जनरल सेक्रेटरी इदनान मसीह, ज्वाइंट सेक्रेटरी खुशाब इमरान मसीह ने अपने दीगर वर्करों के साथ जोहर आबाद बल्दिया ऑफिस में एहतजाज किया। इस मौके पर वर्कर्स चेयरमैन शाहिद मसीह ने हुकूमत पंजाब की तरफ से क्लास फोर के मुलाजमीन के होने वाले ज्यादतियों के बारे में भी एहतजाज किया और कहा कि क्लास फोर के मुलाजमीन को क्लास सेवन किया जाए और तनख्वाहें 25% बढ़ाई जाए। बकाया महकमों की तनख्वाहों में इजाफे हो गए हैं पर क्लास फोर के मुलाजमीन के साथ हुकूमत सरासर ज्यादती कर रही है, हमारे वर्क जो है वो माने जाए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पज़ीर हुआ। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए रॉयल न्यूज़।